Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Manvi. Today we will discuss the remaining categories of general reading module. कल जो हमने categories की थी हमारे पास थी match information, true false, not given. So today we will discuss other category that is filling the blanks. So यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास उन्होंने एक passage दिया है और साथ में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो होगा वो दैट विल बी इन वन वर्ड ओनली. सो हम जो वन वर्ड में आंसर देंगे. सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक तरह से नोट कंप्लीशन है जहाँ पे उन्होंने हमारे पास कुछ हमें ब्लैंक्स दी हुई हैं दैट आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस. सिर्फ एक उन्होंने छोटे नोट्स बनाए हुए हैं जिसके जिसके आंसर्स हमने फाइंड करने हैं. सो अगर हम देखें हमारा टाइटल है ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस. तो अगर हम इसमें देखें हमारे पास उन्होंने हमें फर्स्ट स्टेप वेन्यू टाइमिंग उन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं. तो फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप्स है हमारे पास जहाँ पे उन्होंने दिया है डिसाइड हु द कॉन्फ्रेंस इज फॉर इंश्योर द प्रोग्राम फुलफिल्स डेलीगेट्स रिक्वायरमेंट. तो उन्होंने पहले फर्स्ट स्टेप में बोला है कि हमारे पास हमने डिसाइड करना है कि कॉन्फ्रेंस किसके लिए है और इंश्योर करना है कि प्रोग्राम फुलफिल कर रहा है जो डेलीगेट की रिक्वायरमेंट्स हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है वेन्यू एंड टाइमिंग जिसमें हमने अपने आंसर्स को फाइंड करना है. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 15. ट्राई टू अवॉइड स्केड्यूलिंग द कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग डैश टाइम्स और व्हेन अदर एनुअल कॉन्फ्रेंसेस अकर. तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक ब्लैंक दी हुई है कि हमने अवॉइड करना है स्केड्यूल करना हमारी कॉन्फ्रेंस को ड्यूरिंग टाइम्स. इसका मतलब उन्होंने किसी टाइम पीरियड की बात किया जिसमें हमने अपनी कॉन्फ्रेंस जो है उसको स्केड्यूल नहीं करना और व्हेन अदर कॉन्फ्रेंसेस जो है एनुअल कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे हो रही हो. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास वेन्यू एंड टाइमिंग है. वेन्यू एंड टाइमिंग मीन्स प्लेस और टाइमिंग मीन्स टाइम. तो अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने हमें हेडिंग दी है टू स्टार्ट विद जो उन्हें हम हमारे पास फर्स्ट स्टेप था. तो सेकंड है वेयर एंड व्हेन. वेयर मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया वेन्यू एंड व्हेन मीन्स हमारे पास आ गया टाइमिंग. सो इसका मतलब हमारे जो आंसर है हमें वो सेकेंड पैराग्राफ में मिलेंगे. नाउ स्टार्ट विद द डेट एंड वेन्यू शुड देन बी चूजन. देर आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट एंड वेन चूजिंग द डेट टेक इन टू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ सिमिलर रेगुलर इवेंट्स विच मे क्लैश. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हमने ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग है सिमिलर जो रेगुलर इवेंट्स है वहाँ पे जो क्लैश हो रही है. तो अगर हम देखें हमारे पास वेन अदर एनुअल कॉन्फ्रेंसेज अकर तो इसका मतलब वो सेम हो गया हमारे पास कि रेगुलर जो इवेंट्स वहाँ पे सिमिलर हो रही हैं सेम टाइम के ऊपर जो क्लैश हो जाएंगी. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट हम रीड करते हैं ऑल्सो कंसिडर हॉलीडे पीरियड्स विच मे मीन दैट पीपल आर अवे एंड सो विल नॉट बी एबल टू अटेंड. तो एक तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमने ट्राई करना है कि सेम टाइमिंग है हमारी जो रेगुलर इवेंट वहाँ पे क्लैश ना हो. तो दूसरा क्या है कौन से पीरियड कंसिडर हॉलीडे पीरियड्स. हमने हॉलीडे पीरियड्स को जरूर ध्यान में रखना है कि विच मे मीन दैट पीपल वहाँ से दूर गए हो सकते हैं उस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें पीरियड्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या है टाइम्स. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट हॉलीडे टाइम. तो अगर हम इसमें फिट करें ट्राई टू अवॉइड स्केड्यूलिंग द कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग हॉलीडे टाइम्स और व्हेन अदर एनुअल कॉन्फ्रेंसेज अकर. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हॉलीडे. सो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया दैट इज हॉलीडे. तो 15 का आंसर हमारे पास है हॉलीडे. Now come to the second. Check accessibility by different modes of transport. Choose a place with a large hall and also dash spaces for smaller meetings. तो उन्हें बारे में हमने accessibility को check करना है by different modes of transport कि वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कि वहाँ पे वो transport जो है वो running है कि नहीं. Second, choose a place with a large hall जहाँ पे हमने क्या करना है एक large hall वाला हमने जो है प्लेस को चूज करना है एंड कौन सी स्पेसेस जो हैं वो हमारी स्मॉलर मीटिंग्स के लिए वहाँ पे हमने चूज करनी है. तो नाउ कम टू अगर हम देखें व्हेन चूजिंग अ वेन्यू की बात आ गई. चेक हाउ इजी इट इज टू रीच बाय ट्रेन और प्लेन एक्सेट्रा. इसका मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से आ गए ट्रेन और प्लेन. उन्होंने बोला इजी टू रीच है इसका मतलब एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे उसके लिए.
एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग फॉर दोज ड्राइविंग, और वहाँ पे हमारे पास पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए. विजिट द वेन्यू पर्सनली, कंसिडर द साइज ऑफ द मेन लेक्चर हॉल. तो उन्होंने हमें नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक में दिया था कि हमारे हमने क्या करना है, वहाँ पे जो मेन लेक्चर हॉल है उसका साइज जो है हमने उसको ध्यान में रखना है. जो यहाँ पे था लार्ज हॉल को चूज करना है हमने. एंड वेदर इट इज़ बिग एनफ फॉर द एंटिसिपेटेड नंबर ऑफ डेलीगेट्स, कि हमने वहाँ पे ये भी देखना है कि बिग एनफ है उसका साइज है, कि वहाँ पे जो एंटिसिपेटेड जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैं वो वहाँ पे जो है वो अपनी जो मीटिंग है उसको अटेंड कर सकते हैं. देन लुक इन टू अ पोटेंशियल ऑफ हैविंग ब्रेकआउट एरियाज. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने ये भी देखना है कि वहाँ पे पोटेंशियल पॉसिबल जो है हमारे पास ब्रेकआउट एरियाज हैं, सेपरेटिंग इन टू नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर डिस्कशंस, कि अगर हमने डिस्कशन ग्रुप में अपने जो हैं डेलीगेट्स को हमने डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स को, नंबर ऑफ पीपल को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ग्रुप में, तो वहाँ पे हमने ब्रेकआउट एरियाज को भी ध्यान में रखना है, पोटेंशियल जो पॉसिबल हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या था, चूज अ प्लेस विद अ लार्ज हॉल एंड डैश स्पेसेस फॉर स्मॉलर मीटिंग्स. अब स्मॉलर मीटिंग्स हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया जो हमारे पास है, स्पेसेस हमारे पास क्या हो गया, एरियाज हो गया. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 16 के लिए, दैट इज हमने क्या देखना है, ब्रेकआउट एरियाज देखना है. यहाँ पे हम स्मॉलर ग्रुप्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं कि वो वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हमारे पास हेडिंग है स्पीकर्स. अगर हम स्पीकर्स की बात करें, हु मीन्स कोई पर्सन जो वहाँ पे स्पीकर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, चूज एप्रोप्रिएट स्पीकर्स. तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ पे एप्रोप्रिएट स्पीकर्स जो है उनको चूज करना है. गिव द स्पीकर्स एज मच एज पॉसिबल. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमने स्पीकर्स को कुछ देना है जो कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके. तो अगर हम देखें हमारे पास हो, जहाँ पे हमने देखा था स्पीकर्स हमारे पास यहाँ पे हो सकता है इसमें हो, द नेक्स्ट स्टेज इज टू चूज द स्पीकर्स. तो आगे स्पीकर्स की जो लोकेशन है, एंड इन्वाइट दैम, मेकिंग श्योर यू गिव दैम एम्पल नोटिस सो दे आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल. तो हमने उन्हें क्या देखना है, देना है एम्पल नोटिस देना है, कि इन एडवांस हो सकता है कि हमने उनको नोटिस देना है ताकि वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि वहाँ पे अवेलेबल हो सके. आस्क ऑनली दोज पीपल दैट नो स्पीक वेल. तो हमने उनको ही चूज करना है जो वहाँ पे अच्छे तरह से बोल सकते हैं. डू नॉट ट्राई टू स्पीक यूर सेल्फ इन एडिशन टू ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस एज दिस विल बी सो डिमांडिंग. तो वहाँ पे हमने विल बी टू डिमांडिंग हो सकता है अगर हमने खुद ही उसको ऑर्गेनाइज किया और खुद ही हमने वहाँ पे जो है स्पीच दी. तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, एज मच का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, एज मच जितना ज़्यादा हम दे सकते, इसका मतलब हो गया एम्पल. तो उन्होंने इसका सेम वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमने क्या देना है, एज मच एज नोटिस एज पॉसिबल. तो गिव द स्पीकर्स जितना ज़्यादा नोटिस हो सके हम उनको देना है हमने. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17. नाउ कम टू द 18 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन अगर हम देखें, हेडिंग किसके साथ मैच हो रही है, कॉन्टेक्टिंग पीपल, कि हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है. सो फर्स्ट है सेंड आउट अ मेल शोट टू पोटेंशियल डेलीगेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको मेल शोट जो है उसको पोटेंशियल जो पॉसिबल डेलीगेट्स हैं उनको सेंड करना है. कन्फर्म इंडिविजुअल डिटेल्स विद द स्पीकर्स, चेक इफ दे विल नीड अ accommodation and a request a dash of their presentation. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या करना है, confirm करना है कि जो individual details हैं with the speakers उसको हमने देखना है. check if they will need accommodation, हमने ये भी देखना है उनको रहने के लिए जगह चाहिए. and request a dash of their presentation, तो हमने उनकी presentation की कौन सी चीज़ को request करना है. तो अगर हम यहाँ पे आए, let people know द डेट एंड वेन्यू बाई एन अर्ली मेल शॉट. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फर्स्ट, दिस अलाउज देम इफ दे आर इंटरेस्टेड टू पुट द डेट इन टू देयर डायरीज. एट द सेम टाइम कॉन्टेक्ट ऑल द स्पीकर्स अगेन कन्फर्मिंग देयर पर्टिकुलर टॉपिक, द ऑडियो विजुअल एड्स विच विल बी अवेलेबल एंड फाइंडिंग आउट देयर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पे उन्होंने बोला उन्होंने हमने कन्फर्म करना है उनकी पर्टिकुलर जो टॉपिक है उनकी डिटेल्स को, मतलब हमने देखना है और हमने देखना है कि वो अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है उनको. आस्क देम टू प्रोवाइड, यहाँ पे प्रोवाइड करना है रिटन समरी ऑफ देयर प्रेजेंटेशन. तो उन्होंने अब क्या देना है, एक रिटन समरी देनी है हमारे पास अपनी प्रेजेंटेशन की. सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, रिक्वेस्ट अ डैश ऑफ देयर प्रेजेंटेशन. और प्रेजेंटेशन की क्या चाहिए, उन्हें समरी चाहिए. अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सारे सेम वर्ड्स हैं, समरी ऑफ हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ऑफ गिवन है, देयर गिवन है, प्रेजेंटेशन गिवन है, रिक्वेस्ट अब रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, वन वर्ड है. तो मेन वर्ड यहाँ पे क्या पिक होगा, समरी चाहिए.
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18 के लिए, दैट इज समरी। हम क्या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे, जब वो हमें क्या प्रोवाइड करें हम चाहते हैं, दैट इज समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द वेन्यूज प्रिसाइज। अब फाइनल टास्क आ गया हमारे पास, अगर हम इसको मैच करें किसके साथ मैच हो रहा है, फाइनल अरेंजमेंट्स, कहने का मतलब फाइनल टास्क क्या रह गया हमारे पास लेफ्ट ओवर, गिव द वेन्यू प्रिसाइज नंबर्स ऑफ अटेंडीज। अब उन्होंने बोला कि वेन्यू हम उसी को देंगे, मतलब जो भी हमारे पास जो एक्यूरेट या जितने नंबर ऑफ अटेंडीज हमें चाहिए। मेक श्योर ईच पर्सन अटेंडिंग रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ्रेंस एंड डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो उन्होंने बोला कि हमने क्या करना, हमने ये भी श्योर करना है कि यहाँ पे जितने भी वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अटेंडीज हैं, उन्होंने रिसीव की है जो है कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन एंड डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने कोई चीज़ जो है उन्होंने वहाँ पे जो है मतलब रिसीव की है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 weeks बिफोर द कॉन्फ्रेंस कन्फर्म द प्रोविजनल नंबर विद द वेन्यू, कॉन्टेक्ट दैम अगेन अबाउट 2 weeks प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस टू कन्फर्म फाइनल नंबर, डिसाइड ऑन वेन्यूज एंड फाइनलाइज द अरेंजमेंट्स। Prepare delegate packs to include a name, badge, delegate list and program. तो यहाँ पे क्या हमारे पास delegate list आ गई, program आ गई। अब name badge क्या होगा, name badge का मतलब हमने उनको एक identification का tag दे देना है, badge दे देना है कि यहाँ पे उनका name लिखा होगा। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा 19 के लिए, that is बैच, कि उनको हमने क्या देना है, name badge देना है। name means उनकी identification, तो 19 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बैच। सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें, यूज डैश टू गेट ओपिनियंस ऑन द कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ पे कुछ यूज़ करना है, किस चीज़ को यूज़ करना है, ताकि हम वहाँ पे ओपिनियंस जो है कॉन्फ्रेंस में हम ले सकें। तो आगे हम रीड करेंगे, द वेन्यू शुड प्रोवाइड पैड्स और पेपर एंड पेंस। तो वहाँ पे वो करने चाहिए कि वहाँ पे होने चाहिए पैड्स और पेंस होने चाहिए। Then prepare questionnaires for all delegates to complete at the end of the conference. Their responses will enable you to gauge the success of the conference and start planning with the next one. अब हमने क्या करना वहाँ पे prepare क्या करना, हमने questionnaires को prepare करना है, जो कि जहाँ पे भी सारे delegates उसको end of the conference जो है वो complete करेंगे, और उससे हम देख सकते हैं कि हमारी कॉन्फ्रेंस जो है कितनी सक्सेसफुल रही है, और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस को हम प्लान कर सकते हैं। सो 20th का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चनियर्स, यूज क्वेश्चनियर्स टू गेट ओपिनियंस ऑन द कॉन्फ्रेंस। सो ये हमारे पास थी जो है हम नोट कंप्लीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज अगेन हमारे पास सेंटेंसेज है, कंप्लीट सेंटेंसेज। सो दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी, है हमारे पास ब्लैंक की कैटेगरी ही, लेकिन ये हमारे पास क्या है, हमने अपने सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी वर्ड लिमिट हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपने नोट इंस्ट्रक्शंस में, कि हमारे पास लिमिट कौन सी है, 1 word की लिमिट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या, हाउ टू डील विद द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि हमारे पास जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके साथ किस तरह से डील करना है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय लर्निंग एट एन अप्रेजल व्हाट एरियाज ऑफ वर्क नीड इम्प्रूविंग। अब उन्हें बोला कि जब वहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं लर्निंग के दौरान के अप्रेजल जो है, कि कौन से एरियाज जो हैं हमें ज़रूरत है उसके ऊपर वर्क करने की, उनको इम्प्रूव करने के लिए। स्टाफ कैन इम्प्रूव द चांसेस ऑफ गेटिंग डैश, कि अब यहाँ पे किसके चांसेस, स्टाफ कैन इम्प्रूव देयर चांसेज ऑफ गेटिंग, के वहाँ पे स्टाफ के कौन से चांसेज जो इम्प्रूव हो सकते हैं, कि जिससे वो क्या वहाँ पे गेट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन हेल्प इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर योर वर्क प्रायोरिटीज। इट इज हाउ एवर क्रिटिकल टू हैव द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच। नोइंग बट एरियाज ऑफ योर सुपीरियर सी योर वीकनेसेस इज द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ बींग कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन इफ दैट इज वट यू आर लुकिंग फॉर। तो उन्होंने बोला यहाँ पे क्या है, कि हमने नोइंग बट एरियाज यू आर सुपीरियर्स, कि आपने देखना है कि कौन से एरियाज में हम बेस्ट हैं और कौन से एरियाज में हम वीक हैं। वो वहाँ पे डायरेक्ट वे है हमें इंक्रीज करने का, कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रमोशन जो है वो हमें मिल सकती है इफ़ दैट इज़ वट यू आर लुकिंग फॉर। तो वो किस तरह से होगा, हम अगर अपने वो अप्रेजल जो है परफॉर्मेंस को हम अच्छे से जो है उसको जो है
देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो वहाँ पे है व्हाई लर्निंग एट एन अप्रेजल व्हाट एरियाज ऑफ वर्क नीड इम्प्रूविंग, स्टाफ कैन इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन। सो 21 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रमोशन। Now come to the 22nd. It is important to think of some that can be used during the appraisal. अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सोचना है कि कुछ some dash that can be used during the appraisal. अब वहाँ पे हमने कुछ सोचना है, कोई कुछ है कि जो हमारी conference या appraisal के time जो है वो हमारे वहाँ पे क्या हो सकती है, helpful हो सकती है, जहाँ पे use की जा सकती है. So अगर हम देखें preparation में अगर हम बात करें, send your boss a summary of your achievements. तो हमने वहाँ पे अपनी summary को, achievements की summary को send करना अपने boss को, reminding your boss of activities, special assignments you did and projects you were in charge of helps him to create a more accurate performance appraisal. Consider keeping notes of these on regular basis to make it easier to provide a data when required. तो वहाँ पे हमने notes भी बना लेने ताकि regular basis के ऊपर हम उनको data provide कर सकें जब भी उसकी requirement हो. Create a list of questions you would like to discuss during your appraisal. तो वहाँ पे जब आपकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, जब उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने बोला कि आप एक लिस्ट बना लो क्वेश्चंस की जो भी आप डिस्कस करना चाहोगे ड्यूरिंग योर अप्रेजल. तो यहाँ पे क्या था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ सम, क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चंस को सोच लेना, उसकी लिस्ट बना लेना इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि हम किसके दौरान यूज़ कर सकते हैं, अपनी अप्रेजल के दौरान उसको यूज़ कर सकते हैं. सो आंसर फॉर द 22nd क्वेश्चन विल बी questions. Okay, 23rd आ जाओ. The appraisal can be good time to ask the boss for extra. तो उन्होंने बोला जो appraisal है वो हो सकता है आपके लिए एक अच्छा time है जहाँ पे आप अपने boss से कुछ पूछ सकते हो, कुछ extra जो है वहाँ पे हम कर सकते हैं. अगर हम देखें यहाँ पे appraisal, जहाँ पे हमने अपना question answer छोड़ा था उससे आगे हम देखें, this one-on-one टाइम विद योर बॉस, तो यहाँ पे बॉस की बात आ गई, तो वहाँ पे उन्होंने बॉस की बात की है, इज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम और हर अबाउट योर रोल इन द कंपनी. उन्होंने बोला है कि ये वन बाय वन, कहने का मतलब वन बाय वन जो आप वहाँ पे आपको अप्रेजल के दौरान आप अपने बॉस के साथ डील कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप अपने बॉस से पूछ सकते हो अपने रोल के बारे में जो आपका कंपनी में है. रिक्वेस्ट एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू वुड लाइक एंड क्लैरिफाई योर प्रायोरिटीज़. तो वहाँ पे आपने जो भी आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहते हो और आपने अपनी क्लैरिफाई करनी है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा अप्रेजल का टाइम. तो वहाँ पे क्या था, द अप्रेजल कैन बी गुड टाइम टू आस्क द बॉस एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स्ट्रा के लिए हमारे पास क्या है, एडिशनल सिनोनिम यूज़ किया गया है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वन वर्ड है, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपने वहाँ पे आपने पूछना है अपने बॉस से कि कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए हैं कि नहीं हैं. सो इसलिए हमारे पास जो है 23rd का आंसर हमारे पास क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नाउ कम टू 24th क्वेश्चन, रिएक्ट टू एनी क्रिटिसिज्म. तो उन्हें बोला हमने रिएक्ट करना है डैश टू एनी क्रिटिसिज्म. अब क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसी पैराग्राफ में जहाँ पे जो लाइंस बच गई दो, वहाँ पे कहीं पे उन्होंने क्रिटिसिज्म की बात नहीं की है. नेक्स्ट है हमारे पास है ड्यूरिंग द अप्रेजल, प्रेजेंट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज सून एज यू एंटर द अप्रेजल रूम. फर्स्टली उन्होंने बोला कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ जाना है अंदर जब भी आप अप्रेजल रूम में जाओगे. Then this approach may lead to more constructive discussion of review items. तो वहाँ पर हो सकता है ये ज़्यादा constructive discussion हो सकती है. Avoid taking any negative assessments that are offered as personal attack, but rather try to take them on board calmly. उन्होंने बोला कि अगर आपके पास वहाँ पर आपको कोई negative भी assessment मिलती है या negative भी आपको कोई वहाँ पे कमेंट्स मिलते हैं, तो आपने दैट आर ऑफर्ड एज अ पर्सनल अटैक हो सकता है आपके ऊपर, बट आपने ट्राई करना है आपने उसको कामली, मतलब शांति से आपने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या उनको डील करना है. सो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्ट. सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, रिएक्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि रिएक्ट हमारे पास वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो रिएक्ट किस तरह से करेंगे हम, शांति के साथ बहुत आराम से करेंगे. सो आंसर हमारे पास क्या होगा,
calmly, react calmly to any criticism. Criticism means negative. अगर आपको वहाँ पे assessment मिलती है तो हमारे पास जो है 24 का answer हमारे पास क्या आ जाएगा, that is calmly. Right? Now come to the 25th question. It is helpful to identify a number of individual arising from the appraisal comments. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि helpful होगा टू आइडेंटिफाई, देखना या फिर समझना, आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है जो कि हमारे पास अप्रेजल कमेंट से ही हमारे पास सामने आए, हमारे आगे अराइज हुए हैं. तो अगर हम देखें आफ्टर द अप्रेजल हमें हमारी परफॉर्मेंस की अप्रेजल मिल गई, उसके बाद अगर हम देखें दैट इज क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पर्सनल गोल्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल. उन्होंने बोला क्या है कि हमने क्या करना है, क्रिएट करनी है एक लिस्ट ऑफ पर्सनल गोल्स जो कि हमारे बेस्ड है हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर. तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के आएंगे, इंडिविजुअल गोल्स मीन्स इंडिविजुअल जो है हमारे पास गोल्स. इंडिविजुअल हमारे पास हो गया पर्सनल, इंडिविजुअल गोल्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले हुई तो इससे राइज हुए जो हमें अप्रेजल मिली थी परफॉर्मेंस की. सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, गोल. तो 25 का आंसर हमारे पास हो गया गोल्स. राइट, नाउ कम टू 26 क्वेश्चन. स्टाफ कैन रिक्वेस्ट अ मीटिंग हाफ वे थ्रू द ईयर टू लुक एट द डैश विच हैज़ बीन अचीव्ड. तो बोला कि स्टाफ कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है एक मीटिंग हाफ वे थ्रू द ईयर के, ईयर के हाफ में जो है वो देखने के लिए, विच हैज़ बीन अचीव्ड कि उन्होंने क्या अचीव किया है. तो वहाँ पे जो स्टाफ है मतलब एक साल से पहले ही एक अपनी एनुअल जो परफॉर्मेंस से पहले, अप्रेजल परफॉर्मेंस से पहले एक जो मीटिंग है हाफ वे उसको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे 6 months after the appraisal ask for mid-term review. Mid-term review means halfway जो review होगा. Your boss to discuss your progress. तो वहाँ पे हमने क्या करना, अपनी progress को discuss करना. इसलिए हमने meeting करनी है halfway. तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, at the progress which has been अचीव. तो जो प्रोग्रेस हमने अचीव किया उसके लिए हमने हाफ वे जो है मिड टर्म जो रिव्यू है हम वो ले सकते हैं अपने बॉस से. सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 26 के लिए, दैट इज प्रोग्रेस. नाउ कम टू द 27 लास्ट क्वेश्चन. इफ द स्टाफ एक्ट ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डैश टू देयर वर्क. उन्होंने बोला कि अगर जो स्टाफ जो है एक्ट करता है ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स, उसके ऊपर कमेंट्स के ऊपर, दे विल डेमोन्स्ट्रेट, तो वो क्या दिखा रहे होंगे, क्या दिखाएंगे, द डैश टू वर्क. तो वो कोई चीज़ है जो वो शो करेंगे अपने, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करेंगे अपने वर्क को लेके. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने बोला था दिस सेशन शुड बी मोर रिलैक्स एंड इनफॉर्मल देन द ऑफिशियल रिव्यू, कि अगर हमने हाफ ईयर जो मिड टर्म हमने जो रिव्यू ले लिया तो वो ज़्यादा रिलैक्स होगा, इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल वहाँ पे नहीं होगा ऑफिशियल रिव्यू से. आस्क फॉर मोर फीडबैक टू हेल्प यू इम्प्रूव. आप वहाँ पर ज़्यादा फीडबैक को ले सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. चेकिंग इन विद योर बॉस हेल्प्स हिम और हर रिमेंबर योर डेडिकेशन एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न्ड एंड मे हेल्प रिमूव एनी क्रिटिसिज्म बिफोर दे बिकम अ रिव्यू पॉइंट ऑन योर जो है नेक्स्ट फॉर्मल अप्रेजल. तो वहाँ पर क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट दियर, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा चेकिंग इन विद योर बॉस हेल्प्स हिम और हर रिमेंबर योर डेडिकेशन, उसको याद रखने के कि आपकी डेडिकेशन कितनी थी एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न. तो वहाँ पे हम अपनी डेडिकेशन को दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास 27 के लिए, इफ स्टाफ के एक्ट ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डेडिकेशन टू देयर वर्क. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 27 के लिए, दैट इज डेडिकेशन. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट. अगर हम देखें कैटेगरी हमारे पास जो है, हम करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज हमारे पास है टेबल ब्लैंक्स. ठीक है, अब टेबल ब्लैंक्स में हमारे पास क्या है, उन्होंने अगेन हमारे पास एक टेबल दिया है जहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, कुछ हमारे पास जो है उन्होंने रोज दी हुई हैं. तो हमें जब भी टेबल को एक्सप्लेन या हमने सॉल्व करना है तो वहाँ पे हमने देखना है कि कॉलम्स में उन्होंने कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमारे पास रोज में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसको हमने जो ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पे भी हमने पहले अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको रीड कर लेना है कि इंस्ट्रक्शंस हमारे
हमारे पास क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हमने वन वर्ड में जो है अपना आंसर जो वो इन ब्लैंक्स के लिए देना है। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास अलग तरह से उन्होंने टाइप ऑफ डेंजर्स हमें दिए हुए हैं कि जो टाइप ऑफ डेंजर्स हमारे सामने हैं जो हो सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने टाइप ऑफ डेंजर हमारे पास बायोहैजर्ड एग्जाम्पल दी हैं, रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं, नेसेसरी एक्शन है। तो हमने कॉलम्स को जो ध्यान में रखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड करनी है ताकि हमारे पास जो है जो हम प्रॉपरली उसको आंसर कर सकें। सो फर्स्ट अगर हम देखें हमारे पास टाइप ऑफ डेंजर क्या है, बायोहैजर्ड है। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें उन्होंने हमें क्या दिया है, मोल्ड दिया है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे बायोहैजर्ड बेस्ड हमें यहाँ पे मिल गई फर्स्ट बीपी में, फर्स्ट जो सेकंड हमारे पास पैराग्राफ है, प्लम्बर्स रेगुलरली कम इनटू कांटेक्ट विद बायोहैजर्ड वेस्ट, इट्स द नेचर ऑफ द जॉब बट दैट डजंट मीन यू शुड बी कंप्लेसेंट अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू द सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सपोजर्स टू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स सच एज सीवेज। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कौन सी बायोलॉजिकल जो हमारे पास हैजर्ड वहाँ पे जो डेंजर है वो एक है सीवेज है, हैव बीन एस्टिमेटेड टू कॉज 32 जो है 320,000 डेथ्स जो है अक्रॉस द ग्लोब जो वो कॉज करता है ईयर। इन एडिशन टू दिस प्लम्बर्स आर रेगुलरली एक्सपोज टू अदर बायोहैजर्ड सच एज मोल्ड, बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, डोंट रिस्क इट। तो हमारे पास क्या है उन्होंने यहाँ पे हमारे पास ये तीनों जो तो हमारे पास गिवन है हमारे पास टेबल में। तो एक बची और हमारे पास हमने एक और एग्जांपल देनी है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल वो को कौन से वर्ड से वो देख हमें दे सकते हैं, टू इलस्ट्रेट हो सकता है, सच एज हो सकता है, लाइक हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ यहाँ पे हमारे पास सच एज में उन्होंने तीन एग्जांपल दी थी वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एक एग्जांपल हमने पहले रीड की से इससे ऊपर जो हमारे पास लाइन थी दैट इज सी बीच। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सी बीच। तो हमारे पास 15 का आंसर क्या आ गया, दैट इज सीवेज, के वहाँ पे एक टाइप ऑफ डेंजर क्या है, दैट इज सीवेज, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड एल्गी। रिस्क इन्वॉल्व कैन लीड टू डिजीज एंड डेथ, ये हमने रीड कर लिया। नेसेसरी एक्शंस, यूज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, जो उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है लास्ट में, क्लोथिंग इक्विपमेंट इज यूज्ड। तो नाउ नेक्स्ट टू द कम टू द नेक्स्ट दैट इज कन्फाइंड स्पेसेस। तो कन्फाइंड स्पेसेस में उन्होंने ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कंटेनमेंट्स हैं, एग्जाम्पल गैसेज, वेपर्स एंड डस्ट है, रिस्क इन्वॉल्विंग, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लैंक नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें उन्होंने क्या दिया है इसी में कन्फाइंड स्पेसेस में, फर्स्ट ए दिया उन्होंने कंटेनमेंट्स कंटेमिनेंट्स हैं, एग्जाम्पल गैसेज, वेपर्स एंड डस्ट है। तो दूसरा हमने देखा यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न जो जहाँ पे जो कंटेमिनेंट्स हैं जो एयर में होते हैं, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, 16 हमने फाइंड करना है। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, फॉलो द सेफ वर्क कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हम देखें कन्फाइंड स्पेसिस में हमारे पास आ गया कि वहाँ पे गैसेज, वेपर्स एंड डस्ट होते हैं, तो जो हमारे पास एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हैं उसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे कन्फाइंड स्पेसेस में हम आते हैं, दैट इज यहाँ पे उन्होंने दिया है प्लम्बर्स में स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेसेस वेयर दे आर एट रिस्क ऑफ कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग एयरबोर्न गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट, जो उन्होंने हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। दे दैट मे कॉज इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन, दे मे ऑल्सो बी एक्सपोज टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स, दे दैट मे बी हार्मफुल टू हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल वन प्लम्बर वॉज फाइन $2,20,000 आफ्टर एन एम्प्लॉय सफर फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो उसे क्या हुआ था, फाइन क्यों हुआ, क्योंकि वो वहाँ पे उसको पॉइजनिंग हो गई थी कार्बन मोनोऑक्साइड से। अनदर पोटेंशियल हैजर्ड फॉर प्लम्बर्स इन कन्फाइंड इज दैट ड्रोनिंग। तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्रोनिंग उनका जो है जो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है हमारे पास। तो यहाँ पे उन्होंने एयरबोर्न की हमारे पास एग्जाम्पल पूछी है, तो एयरबोर्न में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ, उसको पॉइजनिंग हो गई थी। तो हमारे पास 16 का आंसर हमारे पास क्या आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको पॉइजनिंग होगी। तो दिस इज अ एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में वाटर
अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास था नेक्सी अनदर पोटेंशियल हैजर्ड फॉर प्लम्बर्स। अब प्लम्बर्स वो कौन से होते हैं हमें पता ही है, इन कन्फाइंड स्पेसिस दैट ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब कि वो पानी में डूब के, ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे वाटर सोर्सेज की बात आ गई तो यहाँ पे भी हमारे पास वाटर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आएगी, दैट इज ड्राउनिंग उनके लिए मेजर रिस्क है, कट ऑफ वाटर सोर्सेज, जब वहाँ पे वाटर सोर्सेज जो कट ऑफ हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास 17 का आंसर क्या आ जाएगा, ड्राउनिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट में अगर हम देखें हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यूज ऑफ इंसुलेटेड, जो हमारे पास है यूज ऑफ इंसुलेटेड डैश एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इंश्योर इक्विपमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई हमारे पास कि इलेक्ट्रिसिटी में एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है, मेटल पाइप्स हैं विच आर कंडक्टिव होती हैं, डेथ्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोकशन हमारे पास वहाँ पे डेथ होने का खतरा होता है। अब यहाँ पे हमने नेसेसरी एक्शन देना है कि उनको कौन सा एक्शन वहाँ पे लेना चाहिए। सो यूज इंसुलेटेड डैश एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, तो वहां पे उन्होंने बोला उन्होंने इंसुलेटेड कुछ क्या यूज करना है और एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को यूज करना है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिसिटी, द मास्टर प्लम्बर्स एसोसिएशन कॉल्स इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग हिडन किलर, मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव होते हैं जहां पे मतलब करंट जो है आगे पास नहीं होता, सो ग्लव्स विच प्रोवाइड इंसुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लम्बर्स टूल किट। तो जहाँ पे उनको इंसुलेशन कहना मतलब कि वो इंसुलेटर होते हैं जो ग्लव्स होते हैं तो वहाँ पे वो उनकी टूल किट में होने चाहिए, एज शुड अ प्लम्बिंग वोल्टेज मॉनिटर एंड वोल्ट टेस्टर, ग्लव शुड बी चेक्ड प्रायर टू एवरी यूज एंड रिप्लेस एवरी 12 to 14 months। तो उन्हें बोला यहाँ पे ग्लव्स को हमें चेंज कर देना चाहिए एवरी 12 to 14 months जो है। तो आंसर हमारे पास हीरिन का क्या आएगा कि इंसुलेटेड क्या है, उन्होंने इंसुलेशन होती है उसमें तो प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ग्लव्स, इंसुलेटेड ग्लव्स उन्होंने यूज करने हैं। तो 18 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ग्लव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योर इक्विपमेंट हैज डैश ऑन, उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हमने यूज करना है और हमने इंश्योर करना है कि इक्विपमेंट हैज डैश ऑन टू शो इट्स सेफ, कि हमने देखना है कि इक्विपमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, हैज डैश ऑन टू वहाँ पे है कि जो शो करे कि ये सेफ है। तो अगर हम यहाँ पे आए हमारे पास अगेन उसी पैराग्राफ में लास्ट में, ग्लव शुड बी चेक्ड हमने बोला था 12 to 14 months, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर शुड बी रेगुलरली चेक्ड विद एप्रोप्रिएट टैग्स ऑन द इक्विपमेंट टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी। तो उन्हें बोला क्या है कि वहाँ पे एप्रोप्रिएट मतलब वहाँ पे जो सही जो है टैग, वहाँ पे एप्रोप्रिएट टैग्स होने चाहिए उसके इक्विपमेंट के ऊपर ताकि हम देख सके, वेरीफाई कर सके कि वो सेफ हैं, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट जो है टैग्स का होना जरूरी है। तो 19 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्विपमेंट हैज टैग्स ऑन टू शो इट्स सेफ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज टैग्स। Right now come to the last question, that is make sure electricity has been, तो उन्हें बोला कि हमने श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि electricity has been, कि electricity क्या है वहाँ पे। Now come to the last paragraph again, यहाँ पे हम देखें the project should be stopped immediately if there is any sign of electricity, तो उन्हें बोला कि अगर वहाँ पे कोई भी साइन है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो हमने उस प्रोजेक्ट को हमने क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, सो दैट द पावर कैन बी डिसकनेक्टेड बाय अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन प्रायर टू कंटिन्यूइंग वर्क। तो वहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, डिसकनेक्ट कर देना चाहिए इलेक्ट्रीश जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है किसी भी जो है क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन के द्वारा। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा 20th का, दैट इज हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिसकनेक्टेड करना है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन डिसकनेक्टेड, हमने इसको श्योर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी डिसकनेक्टेड हो, अगर नहीं है तो हमने वहाँ पे काम को रोक के क्वालिफाइड जो है इलेक्ट्रीशियन से उसको डिसकनेक्ट करवाना चाहिए। तो 20th का आंसर हमारे पास क्या आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन डिसकनेक्टेड। सो आंसर हमारे पास आ गया डिसकनेक्टेड। ओके सो आज हमने जो है बेसिकली जो ब्लैंक्स है उस कैटेगरी को हमने डिस्कस किया है। सो जो आपकी रिमेनिंग कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।